हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम चैप्टर नंबर 3 एफजे एंड केकेटी कंडीशंस की एग्जांपल नंबर 11 करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने एग्जांपल नंबर 10 की थी। अगर आपने वो एग्जांपल नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, आप वहां से देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नाउ एग्जाम्पल नंबर 11, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो 2013 में 8 मार्क्स में आई थी। सो क्वेश्चन में क्या गिवन है, प्राइमल प्रॉब्लम गिवन है मिनिमम में। एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, -1 -x1। और कंस्ट्रेंट्स क्या गिवन है, x2 -1 -x1 की पावर 3 <0। तो ये हमारा बन गया g1x। उसके बाद x1 x2 > 0 गिवन है, तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके ये बन गया g2, ये बन गया g3। उसके बाद हमने क्या करना है, प्लॉट। प्लॉट का मतलब होता है कि हमने फिगर को प्लॉट करना है। प्लॉट द फिजिबल रीजन, फिजिबल मतलब होता है जो शेडेड रीजन होता है, जो ये वाला होता है, इसको हम बोलते हैं फिजिबल रीजन। टू सी दैट x^(1, 0) इज ए ऑप्टिमल सोल्यूशन, ऑल्सो वेरीफाई दी एफजे पॉइंट। तो हमने चेक करना है कि जो 1, 0 पॉइंट है वो हमारा फिजिबल रीजन है या ऑप्टिमल सोल्यूशन है। उसके बाद चेक करना है कि यही हमारा एफजे पॉइंट है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हमने डायग्राम बनाई। ये हमारी लाइन होती है x1 और ये लाइन हमारी x2 की। ये हमारी जो ऐसे कर्ल की तरह चल रही है, ये हमारी इक्वेशन है x2 -1 -x1 की पावर 3 की। ये हमारी स्टेट नहीं बनेगी क्योंकि इसकी पावर क्या है, 3 है। तो ये ऐसे कर्व की तरह बनेगी, ऐसे। तो ये लेस देन इक्वल टू में है, तो इसका मतलब इसका जो नीचे वाला पोर्शन है वो शेड होगा। अगर ग्रेटर देन होता तो ऊपर वाला शेडेड पोर्शन होता। तो ये हमारा बन गया 0, 0, 1, 0, 0, 1। चेक करना है कि 1, 0 हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन है या नहीं है। प्रॉब्लम ले ली, g1 g2 g3 <0 है, वेयर हमने एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल लिया, -x1। g2 is -x1 g3 is -x2। फ्रॉम द ग्राफ वी सी दैट 1, 0 इज द नियरेस्ट पॉइंट। 1, 0 हमारा क्या है, एक नियरेस्ट पॉइंट है। वेयर ऑब्जेक्टिव लाइन क्या है हमारी, x1 = -z। ये कैसे आया हमारा क्वेश्चन में, हमें क्या गिवन है, -x1। तो इसको हमने z के इक्वल ले लिया, इसको लिख सकते हैं से। तो हमारे जो x1 है वो किसके इक्वल आ गया, -z के। मीट दी फिजिबल रीजन, चेक करते हैं कि 1, 0 हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन है या नहीं है। इसके लिए फिर से क्या करेंगे, फर्स्ट जो थ्योरम थी उसका रिजल्ट यूज कर लेंगे, जैसे हमने एग्जांपल नंबर 9 और 10 में किया है। तो क्या किया, ∇f(x^(x-x)= > 0। ये x^ ऑप्टिमल सोल्यूशन तभी होगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। उसके बाद इसका हमने सिंपल क्या किया, पार्शियल डेरिवेटिव कर दिया x1 x2। -1, 0 आ गया। अब पॉइंट पुट किया तो ये तो कांस्टेंट है, तो -1, 0 आ जाएगा। ट्रांसपोज है तो कॉलम चेंज होगी रो में, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x1 -1 x2 -0 > 0। -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो -x1 -1 > 0। 0 × something is 0, तो > 0 आ गया। यहाँ पे 1 आना है, इन्होंने मिस प्रिंट है तो आपने यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद माइनस को फिनिश करने के लिए दोनों साइन माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, x1 -1 < 0 आ जाएगा। 1 को उधर ले आते हैं तो क्या बन गया, x1 > 1 आ गया। अब जो हमारा पॉइंट था उसको पुट करके देखते हैं कि यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो 1, 0 दैट मीन्स x1 की वैल्यू क्या है, 1। तो 1 = 1 ये सेटिस्फाई हो गया। ऐसे ही 0, 1 पुट करेंगे तो x2 क्या है हमारा, 0। तो यहाँ पे 0 < 1 ये भी ट्रू है। उसके बाद 0, 0 पुट करते हैं तो x1 की वैल्यू क्या आ रही है, 0। तो 0 > 1। तो तीनों पॉइंट्स हमारे सेटिस्फाई होते हैं, तो इसका मतलब जो 1, 0 पॉइंट है वो क्या है हमारा, ऑप्टिमल पॉइंट है। नेक्स्ट हमने क्या करना है,
कि जो 1.0 पॉइंट है वो ही हमारा एफजे पॉइंट होना चाहिए। इसको स्टार्ट करते हैं। 4x bar = 1.0, i = 1.3 कैसे आई, g1 में पुट करके देखा वो सेटिस्फाई होगी, और g3 में पुट करके देखा वो सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब i = 1.3 आ गया। g2 में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -x1, x1 की वैल्यू क्या है 1, तो -1 < 0, तो ये इक्वल नहीं आई, इसीलिए हमने g2 को स्किप कर दिया। ऐसे g3 में पुट करके देखते हैं, x2 की वैल्यू क्या है, ये 0, तो -0 = 0, 0 = 0, ये सेटिस्फाई होती है। इसका मतलब g1 और g2 सेटिस्फाई हो गया, तो i = 1.3 आ गया। ये सारे स्टेप्स सेम है जैसे हमने एग्जांपल नंबर 9 और 10 में किया था। यहाँ पे आपने रीजन बना के भी लिख देना है। उसके बाद हमारा जो u2 है वो क्या बन गया, एसोसिएट बन गया, तो इसकी वैल्यू आ गई 0 के। फिर उसके बाद हमने कंडीशन ले ली, यहाँ पे सिंपल इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। u0 f(x bar) की वैल्यू पहले भी निकाली थी, क्या थी, -1 0, यहाँ पे पुट कर दिया। g1 की वैल्यू यहाँ पे इन्होंने सॉल्व की है, तो क्या आ गई 0.1। ये कैसे आती है, del f(x, del g1 विद रिस्पेक्ट टू x1 डेरिवेटिव कर देना है, फिर g1 का ही विद रिस्पेक्ट टू x2 डेरिवेटिव कर देना है, फिर जो पॉइंट आया है उसको पुट कर देना है, तो 0.1 आ गया। ऐसे u3 आ गया 0.-3, इनको सॉल्व किया तो u0 की वैल्यू आ गई 0, u1 = u3 आ गया। तो उसके लिए हमें u0 किसके इक्वल आ गया, 0 के, बट हमें क्या चाहिए, इनकी वैल्यू चाहिए, इसलिए हमने u1 = u3 की इक्वल अल्फा ले लिया। अल्फा क्या है, हमारा एक पॉजिटिव स्केलर है। वी गेट हमारा जो u0 u1 u3 है वो क्या है, ≠ 0 और ≥ 0 है। यहाँ पे आपने u0 = 0 आ गया ना, तो इसको हमने निग्लेक्ट कर देना है, इसको नहीं देखना हमने, यहाँ पे इसको देखेंगे कि u1 u3 की वैल्यू क्या आ रही है, किसके इक्वल आ रही है, अल्फा। पॉजिटिव मतलब होता है कि ये कहाँ से स्टार्ट होगा, 1, 2, 3 up to 7, जो पॉजिटिव स्केलर है उसमें हम 0 को इंक्लूड नहीं करते। तो u1 की वैल्यू 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है, बट 0 नहीं होती। अगर तीनों की वैल्यू 0 हो जाएगी तो हमारी जो ये वाली कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं होगी, इसीलिए हमने पॉजिटिव स्केलर लिखा है यहाँ पे। तो हमारी जो fd कंडीशन है वो सेटिस्फाई होती है, तो x बार हमारा क्या बन गया, 1.0 इज fj पॉइंट बन गया। नेक्स्ट वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम करेंगे, KKT ऑप्टिमेलिटी कंडीशन, दैट मीन्स थ्योरम नंबर 15 करेंगे, जो हमेशा पेपर में 16 मार्क्स में आती है। ये देखो 2015 में भी आई है, और ये थ्योरम आपको स्टेट एंड प्रूफ आएगी। KKT नेसेसरी कंडीशन फॉर लोकल ऑप्टिमेलिटी, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।